कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लिट फेस्ट का लगातार विरोध हो रहा है। इस कार्यक्रम में साहित्यकारों की कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा नेता इस मामले को संवेदनशील मानते हुए इसकी शिकायत पीएमओ तक पहुंचा रहे हैं। कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लिट फेस्ट का लगातार विरोध हो रहा है। इस कार्यक्रम में साहित्यकारों की कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा नेता इस मामले को संवेदनशील मानते हुए इसकी शिकायत पीएमओ तक पहुंचा रहे हैं। और जहां एक और हिंदू जागरण मंच ने कसौली में इसका विरोध किया, वहीं भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा, ऐसे कार्यक्रमों को करवाने का मुख्य उद्देश्य संवाद और विचार विमर्श होता है और यही आज तक होता रहा है। उन्होंने कहा कि वे राहुल से यही गुजारिश करते हैं कि वो इस कार्यक्रम को इससे भी बड़े स्तर आयोजन करें, उनकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम के अंदर संवाद की बात विवाद का कारण नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार उस कार्यक्रम में जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें हुई जिनके कारण कार्यक्रम के बाहर नारे लगाने तक की नौबत आई, वो बात उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि वे उन बातों में नहीं जाते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन वे चाहेंगे कि उनके प्रदेश में इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हर वर्ष हो, इससे बड़े स्केल पर हो, लेकिन वो संवाद और विचार विमर्श रहे, उसमें कोई विवाद की बात नहीं आनी चाहिए। कसौली में जो कार्यक्रम हुआ, खुशवंत सिंह सांस्कृतिक उत्सव, बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। हर वर्ष बड़ी रुचि से उस कार्यक्रम के इंतजार करता हूँ। उसमें जो विचार विमर्श होता है बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, इस बार भी पढ़ता हूँ। मैं श्री राहुल सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि खुशवंत सिंह जी की याद में वो इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेरे हिमाचल प्रदेश में करते हैं, क्योंकि कसौली के साथ खुशवंत सिंह जी का संबंध रहा था और इस कार्यक्रम से उनसे इसलिए भी मेरा थोड़ा लगाव है क्योंकि खुशवंत सिंह जी के साथ मेरा भी काफी अच्छा संपर्क रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण, इतने बड़े कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है संवाद विचार विमर्श।